लिफ्ट के अंदर शीशा क्यों लगाया जाता है? खून के धब्बे सूखने के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? न्यूज चैनल के एंकर या फिर कोई नेता बिना कागज देखे एंकर न्यूज और नेता भाषण कैसे देते हैं? हमारे देश भारत को +91 कोड कैसे मिला? इस वीडियो में ऐसे ही टॉप 5 फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को आगे भी शेयर करना, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नंबर 5, दोस्तों खून के धब्बे सूखने के बाद काले पड़ जाते हैं, पर क्या आप जानते हो कि खून के धब्बे सूखने के बाद लाल से काले क्यों पड़ जाते हैं? दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी कभी हमें कहीं भी चोट लगती है और हमारा कुछ खून जमीन पर गिर जाता है तो वहाँ लाल रंग का खून का धब्बा बन जाता है। यही लाल रंग के खून का धब्बा कुछ देर बाद काले रंग में चेंज हो जाता है और हमारा सवाल भी यही है। दरअसल हमारे खून में लाल रंग हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की वजह से होता है, इसी की वजह से हमारा खून लाल दिखाई देता है। हमारे खून में आयरन और ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे ही ब्लड हमारे शरीर से अलग होने लगता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी कि हमारे खून से ऑक्सीजन बिल्कुल ही निकल जाता है। खून में ऑक्सीजन की कमी के कारण खून का लाल रंग धीरे धीरे कम होने लगता है और खून काले रंग का दिखाई देने लगता है। नंबर 4, दोस्तों आपके स्किन पर जब भी फोटो दिख रही है वो फोटो निर्मा पाउडर की है, पर क्या आप जानते हो निर्मा वॉशिंग पाउडर पर ये जो लड़की की फोटो है वो लड़की कौन है? इस लड़की के बारे में जानकर हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो जाए। दरअसल बात है 90s के समय की। गुजरात के कृष्ण भाई पटेल की एक बेटी थी जिनसे कृष्ण भाई पटेल बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। उसका नाम निरुपमा था और कृष्ण भाई पटेल प्यार से उसे निर्मा बुलाया करते थे। वो अपनी बेटी को कभी भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। वो चाहते थे कि उसकी बेटी एक दिन पूरी दुनिया में मशहूर हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक कार एक्सीडेंट में निर्मा की मृत्यु हो गई। अपनी बेटी की मौत के बाद कृष्ण भाई पटेल अंदर से टूट गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वॉशिंग पाउडर का काम शुरू किया, जिसके पैकेट पे उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर लगाई थी। मतलब ये कि निर्मा वॉशिंग पाउडर की पैकेट पे निर्मा वॉशिंग पाउडर के फाउंडर की बेटी की फोटो है। नंबर 3, दोस्तों जब भी हम न्यूज देख रहे होते हैं तो आपने नोट किया होगा कि न्यूज सुना रहे एंकर जो कि बिना कागज देखे न्यूज सुना रहे होते, या फिर जब भी टीवी पे किसी लीडर का स्पीच आता है तो वो नेता बिना कागज देखे आधे एक एक घंटे तक बिना कुछ देखे स्पीच दे जाते हैं। पर क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि टेलीविजन के अंदर एंकर या फिर नेता बिना कागज देखे न्यूज या फिर भाषण कैसे दे जाते हैं? दरअसल इस टेक्निक को टेलीप्रॉम्प्टर कहा जाता है। इसमें बोलने वाले के सामने एक स्क्रीन रखी होती है जिसमें सिर्फ बोलने वालों को ही लिखा हुआ दिखाई देता है, पर देखने वालों को सिर्फ खाली स्क्रीन ही दिखाई देता है। इसी स्क्रीन की मदद से नेता और न्यूज एंकर बिना नीचे देखे भाषण दे जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों आपने देखा होगा हर लिफ्ट के अंदर शीशे का इस्तेमाल किया जाता है, पर लिफ्ट में लगे शीशे को देखने के बाद क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि लिफ्ट में शीशा क्यों लगा हुआ होता है? दरअसल स्टार्टिंग में लिफ्ट में शीशे नहीं लगाए जाते थे, लेकिन लिफ्ट का इस्तेमाल करने वाले लोग की शिकायत थी कि लिफ्ट की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा है, इसे कम किया जाए। इसकी स्पीड की वजह से लोग अनकंफर्टेबल फील किया करते थे, पर लोगों के कंप्लेंट के बाद कंपनी के डिजाइनर्स और इंजीनियर्स ने जब इस चीज पे विचार किया तो सामने आया कि लिफ्ट के चलने के बाद इसमें मौजूद लोगों का ध्यान लिफ्ट के ऊपर नीचे आने जाने की स्पीड पे ही रहता है, इसीलिए लोग अक्सर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों का माइंड कहीं और डाइवर्ट करने के लिए इसमें शीशा लगा दिया गया। लिफ्ट में शीशा लगाने के बाद उसमें आने वाले लोगों का जो माइंड है ना वो शीशे पे ही एक तरह से डाइवर्ट हो जाता था। लिफ्ट के ऊपर नीचे की स्पीड को छोड़ लोग बाग शीशे पे अपने आप को फोकस कर लिया करते थे, जिस वजह से इंजीनियर्स का जो ये आइडिया है वो सक्सेस हो गया, इसीलिए लिफ्ट के अंदर शीशा लगाया जाता है। नंबर 1, दोस्तों जब भी हमें कॉल करना होता है तो आपने देखा होगा 10 डिजिट के नंबर से पहले एक +91 का कोड लगा रहता है। तो क्या आपको पता है कि +91 का कोड भारत को क्यों मिला था? इस दुनिया में कहीं भी कॉल करने के लिए सभी देशों के पास
अपना एक अलग कंट्री कोड होता है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कॉल करने के लिए आपको फोन नंबर से पहले उस कंट्री का कंट्री कोड लगाना होता है जहां आप कॉल करना चाहते हो। हर कंट्री को उसका कोड उसके जोन के अकॉर्डिंग मिलता है, इसीलिए भारत को उसका कोड +91 दिया गया, क्योंकि भारत जोन नंबर 9 में आता है। मेरी वीडियो यहीं तक की थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में।